कोहड़ौर बाजार में थाने से महज 60 मीटर दूर पटाखे की दुकान में भीषण विस्फोट के साथ लगी आग, दो की मौत। जी हां, पटाखा कारोबारी के घर के अंदर टाइल्स लगाने का चल रहा था जोरों से देर रात तक कार्य। टाइल्स काटने की मशीन से निकली चिंगारी से घर में रखे पटाखों में आग पकड़ने से ही विस्फोट की शुरुआत हुई। सहलक के मद्देनजर बिक्री हेतु पटाखों का किया गया था पर्याप्त भंडारण। रुक रुक कर हो रहे धमाके से बाजार में रहा अफरा तफरी का माहौल। आग लगने से 6 लोग झुलसे, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। देर रात लगभग 1 बजे मकान से काफी मशक्कत के बाद 200 को निकाला जा सका। घर में रखे पटाखे के साथ ही गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मिलकर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक बाधित रहा आवागमन। आग बुझने तक ASP सुरेंद्र प्रताप सिंह व कोहड़ौर SO भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। सूचना पाकर मौके पर SDM पट्टी ने भी पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। देर रात सदर विधायक राजेंद्र मौर भी पहुंचे कोहड़ौर। इस हादसे से बहुत पहले भी कोहड़ौर के पटाखा कारोबारियों के घरों में कई बार आग लग चुकी है। शनिवार रात में हुए भीषण अग्निकांड से जिला प्रशासन व पटाखा कारोबारियों को लेना चाहिए बाकायदे सबक। पटाखा कारोबार को लेकर यदि जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस रहे सतर्क तो न देखने को मिले ऐसा भयानक और दर्दनाक मंजर। जनपद के कोहड़ौर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार कोहड़ौर का मामला।